हेलो अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा जो सेकंड यूनिट है इसके अंदर तीन चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहला जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसके बाद जो इसका सेकंड जो चैप्टर्स है वो है मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, और थर्ड जो है इवोल्यूशन है। ठीक है, अब हम इसको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सपोज यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिज्म से, ये दोनों क्या है अपोजिट सेक्स है। सपोज ये मेल है और ये क्या है फीमेल है। ये दोनों क्या करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या बनाए गए गैमेट्स बनाएगा। गैमेट्स क्या होते हैं हैप्लॉइड इन नेचर, यहाँ से भी क्या बनेगा गैमेट्स बनेगा, और ये दोनों क्या होगा हैप्लॉइड इन नेचर। ये दोनों आपस में क्या होते हैं फ्यूजन्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनते हैं जायगोट बनते हैं। ये जायगोट जो होता है ये क्या होता है डिप्लॉइड इन नेचर होता है, ये क्या है जायगोट। अब ये जायगोट देखो डेवलप होके हमें क्या बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है इस ऑर्गेनिजम्स में ये जो करेक्टर है देखो, इसका दो कान है दो आंख है दो हाथ है दो पैर है, ये जो करेक्टर है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं इनहेरिट होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं। और देखो दूसरा जो कंसेप्ट वेरिएशंस का, ये जो न्यू जो ऑफस्प्रिंग बना यहाँ पे, ठीक है, ये 100% आइडेंटिकल नहीं होता है इसके पेरेंट्स के साथ। इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कलर का चेंज आते हैं या कुछ और चेंज आते हैं, इसी को कहते हैं वेरिएशंस। अब हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इस मीन बाय इनहेरिटेंस। देखो सबसे पहले इनहेरिटेंस को समझते हैं। इनहेरिटेंस या इसी को कहते हैं हेरिडिटी। इनहेरिटेंस मतलब होता है ट्रांसमिट ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू डियर ऑफ स्प्रिंग। इसी को हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं। देखो इसका दो कान था दो आंख था, इसका भी है। और कोई ऑर्गेनिज्म सपोज अगर फ्रॉग में सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है तो फ्रॉग से फ्रॉग ही बनते हैं लिजार्ड नहीं बनते। इसी तरह से गद्दे से गद्दा ही पैदा होगा, घोड़ा पैदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका करेक्टर है, वही करेक्टर आगे क्या हो रहा है ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो वेरिएशंस देखो, ये जो ऑफस्प्रिंग है ये ऑफस्प्रिंग जो यहाँ पे बना है ये ऑफस्प्रिंग क्या होता है 100% आइडेंटिकल नहीं होता है इसके पेरेंट के साथ। इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, क्या आते हैं चेंजेस आते हैं, द चेंज मे बी कलर और समथिंग एल्स, और इसी चेंज को हम क्या कहते हैं वेरिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं वेरिएशंस कहते हैं। और देखो वेरिएशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, किसके लिए इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि वेरिएशंस आना, तभी इसमें इवोल्यूशन होने का पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज इवोल्यूशंस होना पॉसिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इनहेरिटेंस मतलब क्या हुआ ट्रांसमिट ऑफ करेक्टर, वेरिएशंस मतलब हो गया चेंजेस। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखो इसके बाद सबसे पहले जिसने इनहेरिटेंस के ऊपर जो काम किया उसका नाम था मेंडल। क्या था मेंडल, और वी कंसिडर इट एज मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज ग्रिगर जॉन मेंडल। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखो इसका जो जन्म हुआ 22nd of July 1822 में, और ये दुनिया से चल बसे 1884। इस दौरान उसने क्या किया 6 ईयर जो अपनी ज़िंदगी के 6 साल उसने क्या किया पी प्लांट पे
एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। 6 साल उसने किस पे काम किया, पी प्लांट्स के ऊपर। लेकिन 1865 में इसने जो अपना वर्क किया था किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर, इसको क्या किया, पब्लिश किया, पब्लिश इट हिज वर्क, हिज, उसने अपने काम को क्या किया, पब्लिश किया। लेकिन उस टाइम पे इसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके मरने के 16 ईयर आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के 16 साल बाद इसकी एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया गया या रिपब्लिश किया गया 3 साइंटिस्ट ने 1900 में, ठीक है। अब देखो रीजंस क्यों इसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो पहला जो रीजंस था इसमें वो ये था, पहला जो रीजंस था, उसने जो पब्लिश किया था वो अच्छे से पब्लिश नहीं किया, और उस टाइम पे कम्युनिकेशन जो था इतना फास्ट नहीं था, एक रीजंस ये था। दूसरा, उसने बताया एक करेक्टर के लिए यूनिट फैक्टर उसने नाम दिया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर जो ट्रांसमिट होता है उसके लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना, उस फैक्टर का कोई फिजिकल अपीयरेंस अप्रोच कुछ भी नहीं था, और ये बायोलॉजिस्ट ने इसको क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। जो थर्ड जो रीजंस था वो थर्ड रीजन ये था कि ये क्या था, ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ठीक है, ये मैथ का एक टीचर था, इसीलिए इसने जो डाटा जो कलेक्शन किया उसको एक थ्योरेटिकल बेस पे उसको पुट फॉरवर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से वो जो साइंटिस्ट थे जो बायोलॉजिस्ट थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। ये रीजंस था इतना समय तक उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं करने का। अब देखो इसके बाद आता है ये पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया। पी प्लांट इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें जो है ये प्लांट जो है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, इसके इसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ऐसे ये सेल्फ पॉलिनेशंस भी करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस भी करते हैं, पहला रीजंस ये था। दूसरा रीजंस, और इसमें देखो लाइफ जो साइकिल होता है वो बहुत कम होता है, वो फास्ट सीड दे देते हैं, बहुत जल्दी सीड दे देते हैं। दूसरा और तीसरा जो रीजंस था, इसका जो सीड होता है वो डोरमेंसी पीरियड उसका बहुत कम होता है, ये 3 रीजन थे उसने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो इसने कुछ इम्पोर्टेंट जो है टर्म का भी यूज़ किया उस टाइम पे। सबसे पहला जो उसने बताया एलील्स, क्या बताया एलील्स, एलील्स से पहले उसने बताया था फैक्टर्स, जो पहले उसने बताया था फैक्टर्स, फैक्टर उसने बताया है कि कैसे होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है, और ये एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सेपरेट होता है, और जो फैक्टर पेयर्स में होते हैं इसी को ही एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील्स। एलील्स का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, इस कॉल्ड एलील्स, पहला उसने ये इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद जो सेकंड उसने बताया एक होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, देखो सपोज यहाँ पे एक प्लांट है, एक टाल प्लांट है, इस टाल के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक तो ये कंडीशंस हो सकता है, दूसरा ये कंडीशंस हो सकता है, और इसी तरह से ड्वार्फ एक प्लांट होता है जिसका हेड जो छोटा होता है इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, या यही रिस्पॉन्सिबल होता है ड्वार्फ के लिए। अब देखो होमोजाइगस मतलब तो देखो दोनों जो फैक्टर्स है वो सिमिलर है, इसको कहते हैं होमोजाइगस, ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव, इसमें दोनों फैक्टर जो सिमिलर है उसको कहते हैं होमोजाइगस, अगर दोनों फैक्टर इसमें डिफरेंस है उसको कहते हैं हेटरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब द टू फैक्टर्स आर आइडेंटिकल, आर सेम, द टू फैक्टर्स आर सेम, इसको क्या कहते हैं, होमोजाइगस। और उसने और एक कंसेप्ट और एक बात कहा हेटरोजाइगस, इसका मतलब होता है द टू फैक्टर्स आर अनआइडेंटिकल, क्या होता है, द टू फैक्टर्स आर अनआइडेंटिकल, मतलब ये दोनों जो होता है सेम नहीं होता,
फॉर एग्जांपल ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी, इसमें जो दोनों फैक्टर्स है अलग है, इसको कहते हैं हेटेरोज़ाइगस। इसके बाद उसने और एक कंसेप्ट का यूज होता है इसमें, जिसको कहते हैं फिनोटाइपिक, फिनोटाइप। देखो फिजिकली मैं कैसा हूँ, मैं लंबा हूँ या छोटा हूँ, काला हूँ या गोरा हूँ, इसको फिजिकली हम इसको जज करते हैं, इसको कहते हैं फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस कि कैसा है, बाहर से कैसा दिखता है वो प्लांट कैसा है, उसको कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस, और इसी को फिनोटाइप भी कहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, हाउ द प्लांट लुक लाइक, इसी को कहते हैं फिनोटाइप। और जो फोर्थ जो पार्ट्स है इसमें उसने बताया जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप या कंपोजिशन। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ प्लांट, सपोज ये प्लांट क्या है, ताल। इस ताल के लिए बेटल ने बताया दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फैक्टर किस में होता है, पैर्स में होता है। सपोज ये फैक्टर इस तरह से हो सकते हैं या ये फैक्टर इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, इसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं, या इस तरह से या इस तरह से। इसका जेनेटिक मेकअप को जो स्टडी करते हैं हम, इसी को कहते हैं जीनोटाइप, क्या कहते हैं, जीनोटाइप, ठीक है। देखो आज हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसमें हमने सबसे पहले इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में थोड़ा बताया आप लोगों को। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है, उसने 6 साल जो इस काम के, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इसके ऊपर काम किया, और उसके मरने के 16 साल बाद इसके काम को रिकॉग्निशन मिला। क्यों मिला, इसके रीजंस भी बताया आज आप। इसके बाद उसने कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट यूज़ किया है, एलील्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, होमोजाइगस, द टू फैक्टर आर आइडेंटिकल, हेटेरोज़ाइगस, द टू फैक्टर आर अनआइडेंटिकल, और फिनोटाइप्स फिजिकल अपीयरेंस को कहते हैं, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप्स को कहते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट द मोनो हैबिट क्रॉस। थैंक यू वेरी मच।